जहां प्रदेश स्तर पर मनाई जा रही है कबीर जयंती, ऐसे में सफीदों के समाज सेवी मुख्य अतिथि के रूप में पिल्लूखेड़ा में कबीर जयंती के समारोह में पहुंचे। पिल्लूखेड़ा में 28 गांव के लोगों ने मनाई धूमधाम से कबीर जयंती। कबीर जयंती के मौके पर राजवीर लुधाणा पहुंचे मुख्य अतिथि। यहां राजवीर लुधाणा ने पहुंचकर बड़ी घोषणा कर दी। हालांकि अभी सरकार में नहीं है, कोई पद नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ी घोषणा, समाज सेवी एक कदम और आगे निकल गए और बड़ा ऐलान, खासकर धार्मिक समाज की कबीर संत को लेकर जो भवन बन रहा है उसके लिए घोषणा की, जितना भी सीमेंट और लोहा भवन को बनाने में लगेगा इस समाज सेवी की तरफ से उसका पूरा पूरा योगदान रहेगा। जब तक भी ये भवन चलता रहेगा उनकी अगुवाई उनके साथ हमेशा बनी रहेगी। उनकी जो भी स्वेच्छा से लोग जितना भी उनको कहेंगे वो उतना अनुदान देने के लिए तैयार है। राजवीर लुधाणा एक पूर्व सैनिक है, पहले नेवी में और अब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इंजीनियर के पद को जो है छोड़ लोगों के बीच जो है सेवा जनभावना उनकी बनी हुई है और लगातार वो इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं और सफीदों के सक्रिय राजनीति में वो अपनी भूमिका पात्र हैं और बेखुदी से निभा रहे हैं। आप संत शिरोमणि के जन्मदिन पर यहाँ इकट्ठे हुए और एक आपने एकता का प्रतीक दिया, सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ और आपने इस प्रोग्राम को बनाने का कार्यक्रम किया। मैं एक तो चेयरमैन साहब को एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये फौजी हैं, फौजी आदमी थोड़ा सा सिविल में ज्यादा ही डरता है। आवाज मुझे भी नहीं सुनाई दे रही। मेरे और बाकी तेरे भाई शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का क्या कार्यक्रम आपका? आज पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में जितने भी गांव हैं यहाँ पे 28 गांव के लोगों ने, सभी धार्मिक समाज के लोगों ने यहाँ पे कबीरदास जयंती मनाई है और ये एक धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं। इस धर्मशाला के निर्माण के लिए लोगों ने सहयोग के लिए सभी आपस में मिलजुल करके प्रोग्राम किया है। इस प्रकार की जयंती बनाने का क्या फायदा है? जयंती बेसिकली महापुरुषों को याद करने के लिए और जो भी उनके जीवन से अच्छी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए मनाई जाती हैं। कबीरदास जी बहुत बड़े कवि हुए हैं, बहुत बड़े संत थे, उनकी गुरुवाणी है, कबीरवाणी है और बहुत सी बातें उन्होंने 15वीं शताब्दी में समाज को सिखाई थी कि समाज बढ़िया से आगे बढ़े, उन चीज़ों को आज दोबारा इस समाज के अंदर डालने की ज़रूरत है। शर्मा जी, आज आपने क्या संदेश दिया समाज को? मैंने समाज को एक ही संदेश दिया है कि जो महापुरुष हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण करें और सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें और एक समाज की भलाई का कार्य करें। क्या कबीरदास जी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? कबीरदास जी ऑलरेडी पाठ्यक्रम में हैं। गुरु गोविंद दाहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हों गोविंद दिए बताए, ये चीज़ें तो हमने कभी 10वीं में 1981 में पढ़ी थी, आज भी याद हैं। कबीर के दोहे तो बहुत फेमस है पाठ्यक्रम के अंदर। इस तरह कितने महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है? हाँ, सभी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। अब पीछे रविदास जी की जयंती मनाई थी, अभी कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है, भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है, महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। हमारे समाज के अंदर जितने भी महापुरुष हैं सबकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर सब लोग मिलजुल के प्यार से प्रेम से भाईचारे के साथ रहें, किसी भी कीमत पे अपने भाईचारे को ना तोड़ें। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जयंती की तरफ से जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राजवीर शर्मा समाज सेविक व चेयरमैन साहब व ब्लॉक समिति के मेंबर व अन्य कर्मचारी अन्य नेतागण भी आए हुए थे, जिन्होंने हमारे समाज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारे को एकत्र होने का इकट्ठा का मौका दिया। इसमें हमारे जितने भी साथी हैं उस सभी राजवीर शर्मा के साथ में हैं। मेरा नाम नरेश मामणिया, गांव बुरान। मैं ये पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में जो कबीर धर्मशाला बनाई है इसका कैशियर के पद के ऊपर काम करता हूँ।
और ये जो जयंती आज मनाई है हमने पूरा जो समाज है उसका उसको इकट्ठा करने के लिए और जो हमारे मुख्य अतिथिगण हैं जो नेता हैं उनको परिचित कराने के लिए यहाँ पर गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि श्री राजवीर जी हैं और चेयरमैन जोगिंदर जी, ब्लॉक समिति मेंबर संदीप डांगी जी, इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुला गया है और जो एक्स सरपंच दलोली सिंह जी हैं उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। हम राजवीर जी को हम चाहें तो पूरी वोटों से जिता दें, बाकी की जो जमानत है वो भी जब्त करवाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जो राजवीर जी हैं वो एक समाज सेवी हैं, उनकी छवि लोगों के दिल में बहुत अच्छी बनी हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि राजवीर जी बहुत ही अच्छी वोटों से विजयी हो और समाज का नाम रोशन करें।